अच्छा अली, मैंने एक सवाल थोड़ा सा भी कहना, क्योंकि आज सिर्फ हम वो हंसी मजाक की बातें, वो टिकटॉक पे अच्छा दिखना, ये सब बातें तो कर ही रहे हैं, लेकिन बींग ए इन्फ्लुएंसर हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं जब हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। तो कभी मैं बहुत ऐसा ऑब्जर्व करता हूँ कि बहुत से टिकटॉक स्टार्स हैं, पता नहीं उनका कोई रिलेशन है भी नहीं, लेकिन उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, तो कभी इरिटेशन नहीं होती आपको कि आपको बिल्कुल किसी मकसद के बगैर फजूल में ही आपको किसी पर्सनैलिटी के साथ जोड़ा जा रहा है, लोग उस पर कॉमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आपको इनबॉक्स भी आता होगा? कभी कभी तो इरिटेशन होती है, मतलब अगर किसी का नाम गलत जोड़ा जाए, लेकिन कभी कभी दिल करता है कि इस बंदे के साथ या इस बंदे के साथ नाम जोड़ दिया जाए, समझ सही रहे हैं आप? सही तो उस चीज़ की इरिटेशन नहीं सही। होती तो है, मतलब आपका जोड़ा गया ना नाम इस तरह? जोड़ते रहते हैं वो तो, लेकिन कोई इशू नहीं है वो। लेकिन वो तो एक फील्ड है इस तरह की, अब देखो अगर आप एक एक्ट कर रहे हो तो आप किसी के साथ करो और लोग उसके साथ नाम जोड़ें बिल्कुल तो वो उनका है, हमारा तो इसमें कोई इशू नहीं है। बिल्कुल वो उस उनकी थिंकिंग है कि हाँ ये ऐसे है तो ऐसे है तो वैसे है, बला बला। तो ये कोई नेगेटिविटी में इसे लेता है, कोई बिल्कुल पॉजिटिविटी में लेता है, ठीक बिल्कुल है। अब लोगों पर डिपेंड करता है, अगर जो नेगेटिव नाम जोड़ते हैं बिल्कुल उनकी भी मेहरबानी है, बिल्कुल ठीक है, जो पॉजिटिव जोड़ते हैं। बिल्कुल। थैंक अच्छा, आपने यू। इंस्टाग्राम पे अपने इंट्रो में आपने लिखा हुआ है सिंगल, तो साथ आपने एक लाल दिल भी जो रखा हुआ है किसी के लिए, बिल्कुल वो चमक रहा है कि जगह मौजूद है। तो कब आप मिंगल होंगे और कब हमें पता चलेगा कि अब अली सिंगल नहीं रहे, क्योंकि फैंस जाना चाहते हैं। पता नहीं कब होऊंगा मैं, भी आप सिंगल ही सिंगल हैं। ही हूँ तो और मैं वैसे आपको वहाँ सिंगल मेरे ही हूँ। वैसे मैं कह रहा था कि मैं प्रोग्राम में अली को कहूँगा कि आपको वहाँ एक सब्ज रंग का लगाना चाहिए दिल, ताकि ग्रीन सिग्नल हो ना, आपने रेड लगा दी। रेड है वो, स्टॉप पे होल्ड है वहां पर ही, कि होल्ड किया किसी हुआ को भी मैंने, आने की इजाजत अब तो नहीं इजाजत नहीं है किसी को है। भी। सही सही। अच्छा, तो वैसे एक होता ना कि पार्टनर के हवाले से भी, अभी आपने सारा इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी ना कभी तो आपने करनी है शादी, आपके फैंस का दिल टूटना ही है, तो फीमेल आपकी फ़ैन है, तो कैसी वाइफ जो है या पार्टनर जो कैसी सोची हुई है अली ने अपने जहन में? लड़के सोचते ही ना, अब एक इमेज बनाई होती है अपने जहन में, तो अली ने कैसी इमेज बनाई हुई, ताकि जब लड़कियां फिर अपने एक रिलेट करना शुरू कर देंगे, अच्छा अली ने ऐसा कहा था, मेरे पास भी ये फीचर यार मैं अब बताऊँ तो, मतलब बताऊँ तो बता मुझे दें कोई मसला है लाइफ पार्टनर कैसी चाहिए। कभी लोग आपने सोचा कहते ही हैं नहीं? मेरी जो सबसे पहली डिमांड है ना लाइफ पार्टनर को लेके, कि अंडरस्टैंडिंग हो मेरे उसके बिल्कुल दरमियान में, ठीक है। लड़ाइयाँ ये वो हल्की फुल्की तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं उसकी बात समझूँ वो मेरी बात समझे, ठीक है ठीक है। ये ना हो कि डिमांडिंग वगैरह सब कोई इशू नहीं है, जिस तरह वो खुश मैं भी खुश, अच्छा ठीक अली, है। आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि इस तरह की जो बातें होती हैं ये एक्सपीरियंसेस से आती हैं, यानी कि जब तक आपने एक्सपीरियंस ना किया हो तो आप ऐसी बात नहीं कह सकते। कोई एक्सपीरियंस भी हुआ है ऐसा कि नहीं? क्योंकि बड़ा अच्छा आपकी ऑब्जर्वेशन, बड़ा अच्छा मुशाहदा आपने बताया। बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें गिव एंड टेक है, सिर्फ बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है। अगर आप अपने वर्ड्स किसी को देते हो ना तो आपको उस चीज़ के ऊपर अपने आप को मेंटेन करना होता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तभी आप डेफिनेटली दूसरे से वो चीज़ डिमांड कर सकते हो। बिल्कुल अगर एक साइड पे ये चीज़ें चल रही हो और दूसरी साइड पे ना चलें तो ये रिलेशन कभी कभी कामयाब नहीं होते।